शेपर्ड लोग हैं, नोमैडिक शेपर्ड। देखो चूल्हा जल रहा है और ठीक सामने बकरी के दूध की चाय लगी है, वरने अब चाय पियेंगे हम यहाँ पे। सारी भेड़ बकरी है, ये नहीं उठाया जाना, मैं उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद। तो भाई अभी ना हम आ गए हैं यहाँ पे अंदर टेंट के अंदर अपने भेड़ पालकों के, शेपर्ड लोग हैं नोमैडिक शेपर्ड, और ये अपने राजू भाई यहाँ पे, और ये के हमारे नए मामटिए हैं कोठली वाली तरफ से, जहाँ नहीं आ रहे उस वाली तरफ से। और अभी चाय लगे हैं बनाने यहाँ पे, यहाँ कोई बच्चा है, अच्छा यहाँ है पीछे कोई एक बच्चा, और ये इस तरफ को इनके कपड़े वगैरह हैं, ये टेंट लगाया हुआ है इन्होंने। और भाई ये इनका ना चूल्हा जल रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे देखो चूल्हा जल रहा है, और ठीक सामने वहाँ पे ये बर्फ़ वाले पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह और कौन सी हो सकती है, इतना सुंदर व्यू है भाई यहाँ से। अभी शाम का टाइम है, 4:30-5 लगे होने बजने अब तो ना। तो भाई यहाँ पे नानू जी ने ना हुक्का निकाल लिया, दम लगेगा यहाँ पे, हुक्का चल रहा है, नानू जी साथ ही हैं। अच्छा कितना काम प्यार है, 5 घंटे हो गए, क्या करने देता हूँ। तो भाई ये ना बकरी के दूध की चाय लगी है, बनने अब चाय पियेंगे हम यहाँ पे, ज्यादा ना नानू दूध जी, दूध ज्यादा नहीं है, दूध भी ठीक, दूध भी ठीक होना ना बकरियों का आजकल आपके पास। बहुत ठंड नाम जी है ना, ठंडी भी पूरी आ रही है, ठंडी नहीं परे और प्रार प्रार था, प्रार थे, अच्छा नचरार, अच्छा नचरार था, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसा लगा नानू आपको हमारा गांव सुरंगड़ी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास है ना, हाँ, बाकी सेकंड क्लास और हमारा गांव फर्स्ट क्लास। राजू जी चिंता क्या और का तो भाई ये मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि चाय पियेंगे साथ में, ये रोटियां खाएंगे, सुबह की रोटियां बनाई उन्होंने गर्म करके खाएंगे। क्यों नानू क्या बात होगी? अरे नानू नानू रे बोले वीडियो मत निकाल, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। किस बात की बेइज्जती नानू? दुनिया देखेगी नानू आपको, है नानू, दुनिया देखेगी आपको, लोग बड़ा प्यार करते हैं आपको, भेड़ पालकों गद्दियों को। हाँ जी, ओह वो यारा डिस तो हो जी, माँ जो गाय भी तो गुदरी का ती किधा माँ तक का दिन ही पूरी उम्र पान दी थे डे गंदरी एरिया में। तो भैया बिना हम मेज चार गए पीने साथ में, ये रोटी खाएंगे और अपने जितने भी नानू और मामटी लोग हैं वो सब भी चाय और बिस्किट वगैरह रोटी खा रहे हैं अभी शाम के टाइम, थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेशमेंट जैसे। ये अपने राजू भाई और ये वाले नानू जी बोल रहे हैं कि डिनर तो थोड़ा ठहर के होगा, लेट होगा अभी, क्योंकि अभी तो 5:30 बज रहे होने, और ऐसे जैसा माहौल है इनके डेरे का भाई यहाँ पे, और यहाँ नीचे आ गई इनकी बकरियाँ सारी जिस तरफ को हैं। हमारा दो तुवारे ये हमारे नानू जी भाई दम लगे हैं लगाने, ये हुक्का रखे उन्होंने। कितना पुराना नानू जी हुक्का, कितना पुराना ये? ये भी नया, नया लिया है नया। अच्छा कितने का आया है? 1500-1600।
1500-1600। अच्छा ये भी सारी चीज नहीं है इसकी। सारी चीज नहीं है भाई इसकी। ये गहना है ना, ये नहीं है ना, ये बड़ा गहना है इसका। नथ है कि क्या? और इस वाले इस तरफ को भी नानू लगे दम लगाने। नानू कितना पुराना है उक्का? ये वाला उक्का ये लूंगा 2-4 साल पहले का। अच्छा बड़ा मजा आता है दम लगाने का। थोड़ा दिमागी काम करता है उका। अच्छा दिमागी जलनी फलनी हो ना, गुस्सा हो पड़ा तो गुस्से अंदर रहो, मैं दम लाई लिया 2 घड़ी। अच्छा तो गुस्से अंदर फिर दिमाग फिर आए अपने ध्यान हो जा दमी आदमी। अच्छा दम लगाने का एक फायदा है। तो मैंने सुना है आदमी गुस्से में होगा ना उतना ही दम चीज है ना थोड़ा। तो नानू मैंने तो सुना कि सुना क्या मैंने पढ़ा है कि इससे जो फेफड़े होते हैं फेफड़े हो नरे सरकार आ रहे हैं 80 साल का बुढ़ा हो गई वो भी दम लगाते हैं। हाँ जी तीन क्यों नहीं फेफड़े खराब हुए? सेहत के लिए नहीं होता अच्छा नानू ये? नहीं नहीं सांस फूलती है एक बात है। ओरिजिनल कोई भी चीज नहीं रही। ये तो उनकी तो भू भा लग रही क्या बुरा बारा लग रहा मिलाने तेरा फिक्सरा बाक्सरा वाले रहा तहा लग रहे बेचना है कोई कुछ भी पेपर खराब होना है तम्बाकू में फिक्सर वाले बुरा लग रहा कट करने कुलगदमा वाले। अच्छा आप जाना भाई नानू जी मैंने नानू आया गंदा परले नानू भी लगे अब दम लगाने। ये मामा मामटी क्या फायदा है इसका? ठंड ठंड को बचा रहता है। अच्छा ठंड के लिए अच्छा होता है। वाह अच्छा रहता है वो भाई बड़े तगड़े बंदे हैं देखो तम्बाकू के क्या क्या फायदे बताते हैं बंदे हैं। बाकी चला गया दम लगा के बेटी के पास। हाँ वो बड़े मामटी चलेगी भेड़ के पास अब दम लगा के अब देखेंगे थोड़ा काम दाम। तो भाई यहाँ पे ना कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी देर तक तंबाकू का वो घूंट लेगा मतलब सेवन करेगा कस लेगा। परले वाले नानू तो रुक ही गए कुछ क्या बात होगी। मैं कितने पैसे लेने वाले पैसे वोट दे देंगे तुझे बड़े मेरा ये कर जो सिर जा के 10 रुपये ले लेना ये ना ही पूरी उम्र है सिर पे बैठी रहा ले तो 10 रुपये ले जाए ये सब देखो मेरे बुआ का भाई इस तरीके की कित लगाई थी इस पर से। हां देख वाला माओ छन छन का पेट की साल सारा तो गांडलू है छातू जो दो आ रहा ते से बिछाणी आना तो भाई अपना धीरे धीरे रात लगी होने मैं भीड़ पालकों के डेरे में होना। तो यहाँ जी देखो ये पूरा बर्फ वाला एरिया है पूरा बर्फ सारे और वहाँ बादलों में ना चंदा मामा निकल रहे हैं छुप रहे हैं यहाँ जैसे हैं थोड़ा सा जब निकलेंगे तो दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे इनकी सारी भीड़ बकरी हैं जैसे कि रात लगी होने तो इतना अच्छे से दिखेगा भी नहीं पर चलो फिर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको ये सारी भेड़ बकरियाँ की देखो यहाँ पे और ये पहाड़ी है ऊपर की तरफ को एक इससे पहले भाई इनका डेरा ना वहाँ था कहीं ऊपर पहाड़ी पे इससे भी ऊपर और ये इन्होंने टेंट लगा के रखा हुआ है ये है इनका यहाँ पे वो जलाया हुआ है इन्होंने लकड़ी लकड़ी जला के रखी हुई है चूल्हा लगाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और अब ये ना छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के तो अब यहाँ पे नानू जी उनको दूध वगैरह पिलाएंगे पकड़ पकड़ के। ये कौन सा सिग्नल है नानू जी इनके लिए नहीं मतलब इससे क्या है बुलाने के लिए? अच्छा इकट्ठी हो जाती है ऐसे। अच्छा अच्छा वो वैसा ही बात है वो लकड़ी इकट्ठी होने देखो सारी लकड़ी आने ऐसे 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 आएंगी ना ये सारी और इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे भाई हमारे एक नानू लकड़ी लगे हैं लाने तो यहाँ पे भाई ना नानू ने लकड़ी को पूरी अड़ी दे दी हुई है उठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया हुआ है। नानू जी ये नहीं उठाया जाना मैं उठाऊं? नहीं 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 मैं खुद उठाऊंगा आपको नहीं। फिर लोग बोलते हैं बोला मैं हेल्प नहीं करता हूँ आप लोगों की ना
जाता हूँ लोगों के पास जैसे डेरे में, ठहरो मैं उठाता यहाँ से, उठेगा यहाँ से ये ओ भाई बड़ा मुश्किल है, नहीं उठता रानू ये, आगे आगे से खींचते हैं दोनों, तो वो देखना देखना आराम से पलटेगा तो फिर इसने काम खराब करना। ये है ही बड़ा भारी है भाई, बहुत बड़ा लकड़ है एक। इधर आए यंग वाले मामटी आए, ये देंगे अड़ी पूरी। अब कर दे जय माता दी। बड़ा भारी मामटी ये, चलो जी वो पूरे लगा देंगे भाई इसको चूल्हे में, क्योंकि बर्फ वाला माहौल हुआ है। ओ आराम से आराम से, यहाँ है ना चूल्हा ना लगाया हुआ, तो सीधा इसको पूरा ही लगा देना इन्होंने। सूखी लकड़ियाँ बड़े खतरनाक होते हैं भेड़ पालक भाई ये। ये भाई मतलब जंगलों के राजे हैं असली तो ये। वो देखो नीचे मनाली का एरिया, ये नीरुकुंड वाले एरिया ये। ये लगा दिया भाई इन्होंने पूरा ही, एक लकड़ जो लेके आया ना बहुत बड़ा ठूंठ लकड़ी का वो लगा दिया इन्होंने। तो भाई यहाँ पे अपने चूल्हे की सेटिंग बना रहे हैं, लकड़ियों पे ही खाना बनाते हैं ना, इसके ऊपर बनाएंगे खाना अब। और कुछ एक टेंट की सेटिंग कर रहे हैं नानू जी हमारे यहाँ पे। अभी खाना बनाएंगे ना, तो इसके लिए इन्होंने इसको हटा दिया मतलब टेंट को। अब खाना खुना बनाएंगे तो इसके लिए इन्होंने टेंट को हटा दिया। जब खाना खुना बना लेंगे, सोने का टाइम होगा तो फिर से टेंट को लगा दिया जाएगा। और ये मामा जी मामटी जा रहे हैं हमारे दूध निकालने, दूध निकालेंगे बकरी का। इसमें दूध निकालना मामा जी, जी बकरी तो ही का। अच्छा हाँ जी दूध खाना वो गर्म होता है। हाय हाय क्या मजा आता है ना। तो भाई ये अपने भेड़ पालकों का चूल्हा जला हुआ है यहाँ पे ना, और सब चले गए हुए हैं वो काम के लिए, निकल गए हुए हैं मतलब बकरियों का दूध निकालना, कोई कुछ कर रहा है। ये सारे इनका बोरी बिस्तर पड़ा हुआ है इस तरफ को, और ठीक यहाँ के सामने भाई ये बर्फ वाले पहाड़ हैं, कितनी बार दिखा दिए मैंने आपको। और ये हमारे चंदा मामा जी, ये देखो भाई पता नहीं फुल मून होगा, कब है आज है कब है क्या है कोई पता नहीं है मुझे तो भाई, पर है मतलब खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। क्या चक्कर हो गया नानू जी, बकरी टिक रही है ना। हाँ मैं आऊँ तो दिन दौड़ी में। अच्छा सांस फूल की नानू जी नहीं यार। तो भाई ये है अपने चंदा मामा, और ये चूल्हा जल रहा है भेड़ पालकों का, और इस तरफ को हैं हमारे नानू जी। अब नानू जी लगे हैं भाई डिनर का इंतजाम करने, प्याज लगे हैं काटने। नानू जी मैं काटूं? नहीं नानू जी मैं काटता नहीं, फिर बड़े सारे लोग वीडियो देखते हैं ना वो कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प नहीं करता हूँ। नहीं तो आप देखो हमारे आए हुए मेहमान, तो मैं मानू, पर लोग नहीं समझते ना नानू ऐसा, लोग तो सीधे सीधे गालियां लगते हैं निकालने लोगों के, तो खड़ूर मुंह बजे लोगों के मुंह किसने भरने। सही बात है, ऐसी बात है जनाब। नानू जी बोल रहे हैं कि बोरी का मुंह बांध सकते हैं पर लोगों के मुंह को नहीं बांध सकते, तो ये तो बात सही है। प्याज लगे हैं नानू काटने अब। आज भाई फुल कैंपिंग होगी यहाँ पे इनके साथ, और नाइट कैंपिंग होगी यहाँ पे, इस पतीली के अंदर लगाया जाएगा तड़का। सनसी तनित का सनसी कहाँ गई, सनसी कहाँ गई वो ही परे जिन्होंने टपी गया था नानू। कोई बात नहीं सर नहीं खाना बनाने में ठीक ठाक एक्सपर्ट होने आप है ना। अच्छा
घर पे ब्याह भी बनाते हैं कि नानी? ना ना घर में भी बना वो बोतल आगे आगे को होगी उसमें निकल तो जाएगा तेल। किसमें? बोतल देख लो उसको। नहीं इसमें कैसे निकलेगा देखो, ढक्कन इसका ऐसे ही होता है कई बार, ऐसे ऐसे जैसे बस ऐसे ऐसे रखो इसको। इसमें नहीं नानो सीरी कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता इसमें ना। ऐसी बात है, थोड़ी देर भाई मैं इसको ऊपर रख दो, हेल्प कर रहा हूँ। देखो नानू की ऐसे मत बोलना फिर कि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। अब पतीली उठाऊंगा, देखो इतनी भारी पतीली को उठाना और यहाँ रखना आसान काम नहीं है। और स्पेशली यहाँ इसको टका के रखना पूरा। अटक तो गई भाई यहाँ पे, ये टिक गई। नानू पत्थर क्यों लगाते हैं आप चूल्हे के लिए, लकड़ियों पे क्यों बनाते हैं खाना? में ऐसा होता है पत्थर क्या लगाना है, पत्थर से क्या होगा, लकड़ियों से ऐसा होता है आग भी आ जाती है काम। और सर उसमें ऐसा होता है हमारे बुजुर्ग की प्रथा ऐसी थी, रिवाज चला रहा है लकड़ों के ऊपर। अच्छा नानी देवता कौन सा मानते हैं आप, किस भगवान की पूजा करते हैं आप? यहाँ तो हम देखो यहाँ देवदानी देव महात्मा यहाँ नीचे जो हमारे नहीं, गद्दियों का देवता कौन है नानू जी? शिव जी। शिव जी है, शिव जी है, शिव बोले, शिव बोले। तो शिव बोले की बुट्टी तो नहीं लगाते आप? नहीं मैंने बचपन में लगाया था कभी। अच्छा फिर नहीं मैंने लगाया। लगाई वैसे बुट्टी नानू जी आपने? बचपन में लगाया था हमने। अच्छा कैसा लगता है उस चूल लगाने के बाद? चूल लगाने से क्या होता है, थोड़ा आदमी का हो जाता है, सिर घूमता है, सिर घूमता है इसमें। अच्छा कई बंदे बोलते हैं बड़ी धुन लगती है वो, उसको अपने मामा जी को पूछना ना। चलेंगे दौड़ना ना, दौड़ दे रहे हैं पूरा दिन फिर चलिए मेरे बच्चे दिन पकड़ा तो भाई नान ने ना यहाँ पे प्याज के अंदर डाल दिया, धनिया मिर्च सब कुछ, और अब इसको ये डालेंगे सीधा सीधा यहाँ पे पतीली के अंदर। ये चले गिलास हमारे यहाँ, गिलास वो गिलास तो नानू मनाली मनाली से आएगा अगर यहाँ से गया नीचे तो। करते हैं ये भी बहुत तो लंबा सफर करते हैं ये भाई, स्पीति जाते हैं लोग बरसात के टाइम पे, सर्दियों में लोअर हिमाचल में। राजू वाला देख रहा महाराज पानी कर ले कुछ, मामा जी दूध दबाए खा रहे हैं। हेलो हो गया ना जी, कड़छी क्यों होती है ऐसी? ये तो वो है तेंथु है तो खड़ाई का काम। अच्छा खड़ाई के लिए चूल्हा चाला बनाना होता है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात है। इधर दिएगा पर।